हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो ये डिजाइन मैंने कैसे बनाया तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो हमने ये चार के मल्टी में फंदे लेने हैं और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। और ये हमारा डिजाइन 6 सिलाइयों में बनेगा और इन 6 सिलाइयों को अगर रिपीट करते जाएंगे ये डिजाइन बनता जाएगा। तो यहाँ ये डिजाइन बना है, यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद 7वीं सिलाई पर ये चेंज हो जाएगा और ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से बनेगा। हम जब भी इस डिजाइन को शुरू करेंगे तो उल्टी साइड से शुरू करेंगे और बैक साइड से ये डिजाइन ऐसे दिखेगा। और इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर पे भी। तो इस डिजाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 25 फंदे लिए हैं, 4 के मल्टी में प्लस 1 फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये 25 फंदे हैं कुल। आप जब भी डिजाइन को बनाएं तो 4 के मल्टी में फंदे ले लें। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये हमारी उल्टी साइड है, डिजाइन हमारा उल्टी साइड से बनेगा। तो पहला फंदा मैंने ऐसे उतार लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं हमें, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 1 फंदा उल्टा। ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी, फिर 3 फंदे सीधे, 2 3, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, फिर 1 2 3, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं, सीधी साइड पे। पहली सिलाई पे जो डिजाइन बना था वो उल्टी साइड थी, अब दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पे है। जो फंदे हमने यहाँ पे 3 सीधे बुने थे, यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे। जो 1 फंदा उल्टा बुना था, यहाँ पे एक सीधा हो जाएगा। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, धागा सॉरी अपनी तरफ ही रखेंगे। अब जो फंदा हमने यहाँ पे 1 उल्टा बुना था उल्टी साइड पे, तो यहाँ पे ये सीधा बना है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधा बना हुआ है, ये सीधा और ये 3 उल्टे फंदे हैं। तो सीधे पे हमने क्या करना, धागा अपनी तरफ कर लेना है और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, फिर सीधा फंदा है, फिर यहाँ पे एक जाली बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, फिर सीधा फंदा आ गया, यहाँ पे सीधा फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पे एक जाली बना लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर सीधा फंदा एक आ गया, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3, फिर सीधा फंदा आ गया, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 सीधे फंदे बन जाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, लास्ट का एस्टिच सीधा बुन लेंगे। अब उल्टी साइड पे हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा एस्टिच का उतार लेंगे, उसके बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बनेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, और जो फंदे हमने सीधी साइड पे 2 फंदे सीधे बुने थे, 1 सीधा फंदा और 1 हमने जाली वाला फंदा बनाया था, इन दोनों को उल्टा बुनेंगे हम। ये हमारी उल्टी साइड और तीसरी सिलाई है। फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा।
अब सीधी साइड से चौथी सिलाई पे आ गए हैं, तो सीधी सिलाई है और चौथी सिलाई सीधी साइड से। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ। दो फंदे हमारे यहाँ पे ये सीधे हैं तो इन्हें सीधा बुन लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, फिर दो फंदे सीधे, एक और ये दो, धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे बुनते जाएंगे। ये जालीला फंदा और सीधा फंदा, इन दोनों को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, फिर दो फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक दो, फिर तीन फंदे उल्टे, लास्ट का सीधा फंदा। तो ये हमारी चार सिलाई हो गई हैं, डिजाइन ऐसे बन रहे हैं। अब हम पांचवी सिलाई पे आ गए हैं, तो पांचवी सिलाई हमारी उल्टी साइड से, जैसे हमें जो फंदे दिख रहे हैं हमने वैसे ही बना लेने हैं। तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे। तो ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। इस सिलाई को बनाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, दो फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर दो उल्टे, ये पूरी सिलाई बना लूँ। अब हम छठी सिलाई पे आ गए हैं, सीधी साइड पे। तो पहला फंदा एस टीज का, उसके बाद तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब जो ये दो फंदे हैं, एक जालीला फंदा और एक सीधा फंदा, ये दो फंदे, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा दूसरी तरफ, फिर दो फंदों का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, फिर एक फंदा जाली वाला और एक फंदा सीधा, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, फिर दो का एक कर दिया, फिर तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, और लास्ट का सीधा। अब ये छह फंदों पे हमारा ये डिजाइन ऐसे बन जाएगा, छह फंदों पे ये डिजाइन ऐसे बनेगा। अब हम सातवीं सिलाई पे आगे, इन्हीं छह सिलाइयों को हम दोबारा रिपीट करेंगे, पर डिजाइन हमारा थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा। जो ये डिजाइन है यहाँ आ जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, तो दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे तीन फंदे हमारे सीधे बुने हुए, एक और ये दो तीन। अब ए साइड का इसे उल्टा बुनेंगे, इस साइड का भी उल्टा, और जो बीच का ये फंदा है, जो ये बीच का जैसा, इसे उल्टा बुनेंगे, ये भी उल्टा बुन लिया, ये भी उल्टा बुनेंगे। जो हमें तीन फंदे हैं इसके बीच में, ये उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, एक और जो ये उल्टा फंदा, इसे भी सीधा बुन लेंगे, उसके साथ वाला फंदा है इसे भी सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। बीच का फंदा जो सीधा था, तीन फंदे हमने सीधे बुने थे तो पहली सिलाई में, तो अब बीच का फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे। बस यहीं पे आप ध्यान रखें कि हमें डिजाइन यहाँ पे चेंज करना है। तो उल्टी साइड पे हमारी सातवीं सिलाई है, वैसे ही हमारी जैसे पहली सिलाई बनाई थी हमने वैसे ही बनानी है। फिर धागा तरफ दूसरी तरफ, फिर तीन फंदे हमने सीधे, एक सीधा फंदा ले लिया, एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, तो तीन फंदे सीधे बुन लिए और ये बीच का फंदा हमने उल्टा बुनना है, फिर तीन फंदे सीधे बुने, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, फिर तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ सीधा और एक फंदा उल्टा। तो पहला फंदा ए स्टिच का, और लास्ट में हमने सीधा बुना था
तो यहाँ पे हमें उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा ये सीधा आप देख रहे हैं, तीन फंदे ये उल्टे। तो जैसे हमें ये फंदे दिखे वैसे ही बना लेने हमने, एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ, फिर एक फंदा हमें सीधा दिख रहा है धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, तो ये सीधा फंदा हमें दिख रहा है और तीन फंदे उल्टे दिख रहे हैं। तो सीधा तीन है, इस पर हम एक जाली बना लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पे जाली बन जाएगी धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे, दो और ये तीन, फिर सीधा फंदा आ गया, फिर यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा दिख रहा है आपको, तो इसे यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर यहाँ पे जाली बना, सीधा फंदा आ रहा है तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। फिर तीन फंदे उल्टे, दो और ये तीन, फिर यहाँ पे एक सीधा फंदा है, यहाँ पे जाली बना लेंगे धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे हमारे उल्टे बन गए और यहाँ पे ये सीधा है तो यहाँ जाली बन जाएगी धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा एक उल्टा बन जाएगा धागा दूसरे कर एस स्टिच का सीधा, तो सातवीं सिलाई बन गई। अब आठवीं सिलाई बनानी, जैसे हमें आठवीं सिलाई दिख रही है वैसे ही हमने बनानी है, पहला फंदा एस स्टिच का, उसके बाद ये सीधा फंदा दिख रहा है हमें, आप देख रहे हैं ये सीधा फंदा दिख रहा है, और ये दो फंदे उल्टे बना लेने हैं धागा अपनी तरफ करेंगे, तो ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी, तीन फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। तो ये पूरी सिलाई बना लूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी बताऊँगी सिलाई तो वीडियो लंबी बन जाएगी, तो ये दो फंदे उल्टे, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप वैसे ही बना लें, तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा जो सीधा बुना था और एक जाली बनाई थी इसे भी उल्टा बुन लें। ये पूरी सिलाई बनाकर फिर मैं आगे बताती हूँ। अब हम नौवीं सिलाई पर सीधी साइड पर आ गए हैं, नौवीं सिलाई पर पहला फंदा एस स्टिच का, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब एक फंदा जाली वाला एक फंदा सीधा, इन दोनों को सीधा बुन लें, ये भी हमारी पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। तो तीन फंदे उल्टे, नौवीं सिलाई भी हमारी तीन फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बनेंगे। तो ये पूरी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको दसवीं सिलाई पर बताती हूँ, तब तक ये नौवीं सिलाई बना लूँ, फिर दो फंदे सीधे। अब हम दसवीं सिलाई पे आ गए हैं, तो पहला फंदा एस स्टिच का धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर दो फंदे तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। तो इस सिलाई को पूरी को बनाकर उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, तब तक ये पूरी सिलाई मैं बना लूँ। अब हम बारहवीं सिलाई पे आ गए हैं, तो ये डिजाइन कुछ ऐसे बनेगा। तो बारहवीं सिलाई बता दूँ मैं आपको, पहला फंदा एस स्टिच का, उसके बाद हमें क्या करना है, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब दो फंदे, एक जाली वाला फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक दो तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे, उल्टे बुन लेंगे सॉरी, धागा दूसरी तरफ। ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से बारहवीं सिलाई है ये हमारी, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, दोनों को दो का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, दो तीन, धागा दूसरी तरफ, फिर दो का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, फिर दो का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा,
लास्ट का एस स्टिच का सीधा बुन लेंगे। तो ये 12 सिलाइयों पे हमारा ये डिजाइन ऐसे बनेगा, देख सकते हैं। तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।